तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज है क्रूज में हमारा आखिरी दिन, सुबह के बजे है 8 और हम जा रहे हैं 9th फ्लोर पे खाना खाने के लिए। एक हफ्ते 8 दिन थे इस क्रूज में, शायद 7 रात। आज संडे है, दोबारा हम वापस आ गए बर्बाडोस में। शिप पार्क हो चुकी है, चल के खाना खाते हैं और वापस बर्बाडोस निकलते हैं। आखिरी बार खाना खा ले भाई जितना खा सकते हैं। ये सारे पैक करा के भी ले गए थे और सुबह फिर खाना आ गए। हाँ, रात को ना गोरे पैक करा के ले गए थे खाना, मतलब प्लेटों में भर भर के। हम सोच रहे थे कि हम ही इतने बेशरम होते और हम सुबह फिर खाने आ गए। अपने ही ज्यादा पैसा वसूल करते हैं ये, अपने इनको सोचते हैं बहुत सिविलाइज्ड है ये भी अपनी तरह नहीं, अपने ज्यादा है। वेजिटेरियन में क्या है, कुछ है ही नहीं आज वेजिटेरियन में, नीदर दाल या कुछ रखा होता है। तो मैंने पहले तो खाए राजमा चावल और साथ में दही, और अब मैं ले आया ऑमलेट, पर सॉस नहीं है, निकली नहीं, खत्म हो गई। और आखिरी दिन है तो रिफिल भी नहीं किया उन्होंने। 15 मिनट टाइम खत्म होने में, अनाउंसमेंट भी होगी। तो भाई खाना खा के अब हम जाने लग रहे हैं बाहर की तरफ। आज पूल बंद पड़ा है, पानी डाल रखा। आज इन पे भी कोई नहीं लेटा हुआ, नहीं सारे गोरे धूप सेक रहे होते हैं इन पे लेट के। इस टाइम सारे 9:15 लास्ट टाइम था शिप छोड़ने का, और 9:15 बजने में बस 5 मिनट है। ये है बर्बाडोस का पोर्ट, और चलते हैं अब अपन बर्बाडोस शहर निकले। तो हमने ना रात को रजिस्टर करना था कि भी किस टाइम निकलना है आपको, तो हमने लास्ट टाइम 9:15 सेलेक्ट करा था, ये सबके टाइमिंग है इसमें। तो नाव कॉलिंग ये जो सुबह वाले थे, मतलब इधर से ना बस भर के जाती है क्रूज से, वो छोड़ देती है पोर्ट के बाहर। हमने ना ये ऐसी ऐसी शर्ट खरीदी थी, और तीन एक दो मैंने दो ली थी नवांकुर ने जीन, और एक आधी टोपी थी जो हमने कभी पहनी ही नहीं, वो शायद हम वापस कर देंगे जिस दुकान से ली थी। अपन ने डू नॉट डिस्टर्ब चिपका रखा था ना, इसलिए अपना कमरा नहीं बनाया इसने। तो इसमें ना क्रूज में सारे पैसे वाले आते हैं, अमीर बड़े उम्र के लोग, ट्रॉली वाले बैग लेके। हमारी तरह बैग पैकर तो कोई और है ही नहीं, तो ये बैग टांगते हम एकदम गरीब बन जाते हैं। सारे वो घूर के देखते हैं कि ये कैसे आए हुए। चलो भाई वापस, कह रहे पासपोर्ट निकाल लो, पता नहीं क्या करेंगे। कस्टम्स हुआ हमारा अंदर, इन्होंने क्रूज वालों ने पासपोर्ट की फोटो खींची कि भाई बंदा ठीक ठाक जिंदा आ गया, क्योंकि क्रूज के लॉज ऐसे ही होते हैं अपन, क्योंकि किसी भी कंट्री के लॉज कंट्री नहीं थे समुद्र में से, तो बस ऐसे इन्होंने पासपोर्ट की फोटो खींची। उसके बाद कस्टम्स हुआ कि भाई कितने बैग है, उसके बाद बाहर ये लाइन लगी हुई है, ये बस थोड़ा बाहर तक छोड़ के आएगी। और बहुत भीड़ हो रखी है, और सबके बैग इतने बड़े बड़े हैं। आ गया भाई टर्मिनल, वेरी गुड, वी जस्ट केम बैक फ्रॉम द क्रूज, वी डिडंट गेट नो गर्ल्स, देयर वर नो गर्ल्स। Do you know from where can we get a bus to what place? Where is the Saint Patrick or what? Saint Patrick's bus. You gotta go through the town. How far is it? About 15 minutes walking. Thank you so much. Yeah. Goodbye. Bye. See you guys. Nice to meet you. तो भाई मैंने ना ये टोपी ली थी, ये कैरिबियन स्टाइल के बाल इसमें फिक्स थे टोपी में। बैग मेरा भारी था, जगह नहीं थी, तो वरना तो मैं रख लेता, टोपी मेरे को अच्छी लगी, एज ए सोवेनियर रख सकते थे, पर बैग में जगह नहीं है, रोज इतना सामान उठाना होता है, तो एक एक चीज भी छोटी छोटी चीज, वैसे तो लगता है कहाँ जगह लेती होगी, पर ऐसे छोटी छोटी चीज करिए बहुत ऐड ऑन हो जाता है और बैग भारी हो जाता है। तो मैंने वापस भेज दी, जिस तरह आपने मेरी डोमिनिका कंट्री थी ना, वो डोमिनिका, मैंने इस आंटी से एक शर्ट खरीदी $20 की, वो मैंने रोज पहनी 5-6 दिन, फोटोज खिंचाई उसमें। और डोमिनिका कंट्री में एक और दुकान पे मैंने ये शर्ट खरीद ली, और वो शर्ट $10 की वापस ही बेच दी $8 की। ये टोपी मैंने इन आंटी से ली थी $20 की, इन आंटी को $10 की वापस बेच दी। तुम धंधा करने लग रहे हो अबे। और भाई हर आदमी वो सोच रहा है कि हम शिप इस पे क्रूज पे वर्कर है, क्योंकि मोस्टली वर्कर्स इंडियंस थे या फिलीपींस के थे, और कुछ अफ्रीकन भी थे बहुत थोड़े। सारे मतलब जिस आदमी के पास जाते हैं बोलते अच्छे शिप पे काम करते हो, किसी नए देश में जाते हैं शिप से बाहर निकलते हैं बोला अच्छा तुम इस शिप पे काम करते हो, क्योंकि लगता ही नहीं हम इनको इंडियन, कोई आए नहीं इतनी दूर कौन आता है, और हम बता देते कि भी नहीं टूरिस्ट है और इंडियंस है, तो भी सोचते कि हम अमेरिका रहते होंगे, इंग्लैंड रहते होंगे, फिर हम बोलते कि नहीं इंडिया इंडियन है, इंडियन ही रहते हैं, फिर इनको कई देर में बात हजम होती है। तो करीब 15-20 मिनट हो गए टर्मिनल से हमें चलते हुए, ये आ गया भाई दूसरा टर्मिनल, लोकेशन तो ये दिखा रहा है गूगल की, ये लेफ्ट साइड दिखा रहा है गूगल पे, तो यही। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन वी गेट अ बस टू सेंट पैट्रिक फ्रॉम हियर? पैट्रिक, या
उधर है भाई पीछे, ये है भाई। तो हमें बोल रहे हैं कि 16 नंबर से ले लो बस, और पर्ची वो टिकट वहीं मिल जाएगी। क्रूज पे लग्जरी लाइफ जी के आ गए ना दोबारा वापस वही ट्रैवलिंग लाइफ पे। बैग डो, बसों में धक्के खाओ, पैदल चलो। टैक्सी के पता कितने रुपए मांग रहा था वो 10 किलोमीटर के? बोला पर बंदे के $25 प्राइवेट टैक्सी। तेरी गाड़ी तो वही जानी है, दो गाड़ी थोड़ी लेके जाएगा। $50 लगी नहीं अभी बस, ये सेंट पैट्रिक। इन देशों में थोड़ा ये सुख है इंग्लिश बोलते जिनमें, जैसे कि ये बारबाडोस, मतलब दिक्कत नहीं होती कम्युनिकेशन में, किसी से रास्ता पूछना हो, कहीं जाना हो, कुछ समझना हो। जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है जिनमें बिल्कुल ही नहीं बोलते, उनमें थोड़ी परेशानी रहती है। चाहे कितना ही गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लो, कितना ही ड्यूलिंगो यूज़ कर लो, दिक्कत आ ही जाती है। उस चीज़ की परेशानी नहीं इधर, पर एट द सेम टाइम बहुत महंगी होती है सारी कंट्रीज, इधर सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। और ये तो बहुत ही महंगी है कैरेबियन कंट्रीज, क्योंकि टूरिस्ट लिमिटेड आते हैं, और जो आते हैं वो बहुत अमीर आते हैं, रिजॉर्ट्स में रुकते हैं, क्रूजेज में घूमते हैं। तो टैक्सी के रेट भी उसी हिसाब से फिक्स है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर है नहीं, बहुत बेकार है, मतलब गिनी चुने बस स्टॉप्स है और बसेज मिलती है। तो ये ना बस रुकवाने के लिए ऊपर ये जो लगी हुई है तार सी या रस्सी कुछ भी कह लो, ये खींचनी होती है। ये खींचते फिर बस में पी की आवाज़ बजती है, मतलब ड्राइवर होता चल जाता है कि किसी को उतरना है, स्टॉप आ गया। तो बटन नहीं है, ये रस्सी खींच दो और ड्राइवर फिर अगले स्टॉप पे अपने आप बस रोक देता है। अभी उस आदमी ने खींची थी। आज संडे है तो पूरा शहर बंद था सब कुछ, अब तो मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल सा इलाका आ गए। बस से उतर गया और मेरे ना बैग के साथ एक दिक्कत है, इस बैग से ज़्यादा छोटा हूँ मैं तो ये फिट नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है इसको टांगने में और उतारने में। अगली बार थोड़ा खुला बैग ढूंढूंगा कहीं से। यार आप लोग मानोगे नहीं, पूरे बारबाडोस में ब्रिज टाउन में अभी जो हमने सबसे सस्ती अकोमोडेशन लिए नवांकुर से, रेट पूछ के बताऊंगा। तो एक रात हम इधर रुके थे, मेरे ख्याल से कितने $80-90 एक रात के, मतलब यूँ लगा लो एक रात के 7-8 हज़ार रुपये। और ये सबसे सस्ता अपार्टमेंट ढूंढा था नवांकुर ने पूरे बारबाडोस में, एयरबीएनबीज मिला के, होटल मिला के, अपार्टमेंट्स मिला के, हॉस्टल तो कोई है ही नहीं इधर। तो आप हिसाब लगा लो कितना महंगा। वो तुम दो जनों में तो चलो बट के पर पर्सन 3-4 हज़ार रुपये आए, पर ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते यहाँ पे। और मैंने सोचा कि यार क्या पता आज कोई सस्ता और अवेलेबल हो, कोई और ले लेते। वैसे तो हमने इसे बोला था हमारा बुक रखी हो भाई अगले हफ्ते संडे को भी, क्योंकि बुक हो जाते हैं कोविड के बाद दोबारा टूरिस्ट आने लगे। तो अभी मैं booking.com पे देख रहा था तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, सिर्फ एक हिल्टन होटल था, वो भी दिखा रहा था $500 एक रात का, 40 हज़ार रुपये एक रात के। तो भाई ये देश तो ऐसे है, एक तो अपने इंडियंस के लिए आना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा ही है, इतनी फ्लाइटें बदलो, वीज़ा इतना कन्फ्यूजिंग है, US वीज़ा, शेंगेन वीज़ा तो ऑन अराइवल है। इस हिसाब से तो बाकी मेरे को क्रूज़ बेस्ट लगा एकदम, मतलब बिल्कुल वर्थ इट था, सबसे ईजी और सबसे सस्ता जो बना लगी। क्रूज़ भी देखा जाए तो कोई इतना सस्ता नहीं था, पर पर्सन $500-550 साढ़े मतलब 45-50 हज़ार रुपये पर पर्सन खर्चा आया, पर आसानी थी। और एक हफ्ते का खाना अनलिमिटेड बेसिकली, रुकना और रोज़ नई देश, ट्रांसपोर्टेशन की भटकनी, टैक्सी की भटकनी, तो इन देशों के लिए तो वो बेस्ट लगा मुझे। बारबाडोस की करेंसी बारबाडोस डॉलर है, और एक US डॉलर में 2 बारबाडोस डॉलर होते हैं। तो बस के हमने दिए 3 बारबाडोस डॉलर पर पर्सन, यानी कि 1.5 US डॉलर, ₹120 लगे थे बस के। तो ये अपार्टमेंट है देखो कहाँ पे, मतलब शहर से बाहर निकल गया बिल्कुल, ब्रिज टाउन की कैपिटल सिटी से बिल्कुल बाहर आउटस्कर्ट्स में, ना यहाँ पे पास में बीच है ना कुछ है, जबकि बीच के लिए आते हैं लोग तो यहाँ पे। ये है भाई अपार्टमेंट, कोई बहुत महंगा तो नहीं कहूँगा पर सस्ता नहीं है किसी भी हालत में। बाहर देखो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, तो भाई मकान मालिक आ गया था, वो थोड़ा सा दिखाने लग रहा था अपार्टमेंट और ऐसे ही हम देख रहे थे। पर मैं यही बता रहा था आसपास देखो कुछ भी नहीं है। हमने इसे पूछा पास में कोई मॉल है क्या, तो बोला कोई भी चीज़, क्योंकि सारे लोग आती गाड़ी ले लेते हैं रेंट पे, इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, हमें गाड़ी मिली नहीं, हमने कोशिश करी थी, सारी गाड़ी बुकड है क्योंकि आज संडे का दिन है और टूरिस्ट आए हुए खूब, तो सब कुछ बुकड है। टैक्सी वगैरह यहाँ पे कहीं भी जाना हो तो इंडिया के 3-4 हज़ार रुपये ले लेती है। मेरा मन तो था बाकी बीच में जाने का, सर्फिंग करने का, मॉल में भी चले जाते, कुछ खा भी लेते, मतलब दिन यूटिलाइज करने का मन था मेरा बेसिकली, पर अब कुछ नहीं कर सकते। यूटिलाइज करना है तो 10-15 हज़ार खर्चने पड़ेंगे जिसका कोई फायदा नहीं। तो क्या किया जाए नवांकुर, क्या करना है फिर, सोए पूरा दिन, दैट्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। बाहर निकलते 10 हज़ार का लाचा लगेगा। हाँ वही मैं कह रहा था वीडियो में सेम चीज। एंटीगुआ में देखते हैं चलो। तो हम ना कमरे में बैठे थे और थोड़ी देर सो लिए, शाम होगी, हमने सोचा बीच पे चलते हैं सनसेट देखने,
और हम बस तैयार हो ही रहे थे, इतने में मकान मालिक आ गया, बोला मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमने पूछा कितने पैसे लगे, बोला नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ तो मैं फ्री में छोड़ के आऊँगा। बोले चलो भाई, वैसे 40 मिनट की वॉक थी यहाँ से, तो हम तो वॉक करने के लिए तैयार थे, पर गाड़ी में 5 मिनट का ही रास्ता है। हमने ना इसके अपार्टमेंट के पैसे भी नहीं दिए अभी तक, और जो भाई था जिसने हमें पिछले हफ्ते जिससे अपार्टमेंट लिया था हमने, रोदर नाम का, उसे ही पैसे देने। हमने इनसे पूछा ऐसे मालिक तो ये कि तो आपको दे देगा, बोले नहीं उसे ही दे देना, वो आएगा अभी। तो भाई ये बैठे हम गाड़ी में, और ये देखो खूबसूरत शाम को बहुत सुंदर हो जाता है यार, मतलब ऐसे मजा आता है। सनसेट नॉर्मल सी चीज़ है ना, पर बाहर देश में आके देखने मजा आता है, क्योंकि पूरा दिन धक्के खाओ दुखी हो, शाम को जाके थोड़ी देर आराम से नहीं हो। और भाई अब बारिश आ गई तो हमारे कपड़े धक्के खाएंगे। अरे मेरी शर्ट देखो, नई शर्ट पहनी है मैंने, पर थोड़ी सी टाइट है इधर से बाजू से, मैं तगड़ा थोड़ा ज्यादा होना। तो अंदर बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे, सही है थोड़ी देर चले जाएंगे, आपको बीच भी दिखा देंगे। डोवर बीच है जो इधर पास में ना हमारे अपार्टमेंट से। ये देखो भाई, पहले ना इधर मतलब अभी भी क्रिकेट का रिवाज बहुत ज्यादा वेस्ट इंडीज में, लेकिन आजकल ना फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं वेस्ट इंडीज में बच्चे, मतलब क्रिकेट इतना नहीं दिखता, कम होता जा रहा है, और फुटबॉल ले रहे हैं उसकी जगह। मेरे को ना एयरपोर्ट पे एक आदमी दिखे थे गुजरात के, अपने इंडिया के, तो वो बता रहे थे मेरे बच्चे ही पहले क्रिकेट खेलते थे, पर अब सबने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, पहले घर से गलियों में सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अब फुटबॉल हो गया वो। ये हम ना इनका एक कोई लोकल फास्ट फूड चेन है, वैसे तो कहीं खा लो KFC वगैरह, तो ना हमारे पिछले ओस्ट्रोजर ने रिकमेंड किया था शेफ एटे, इनका बारबाडोस का चेन है, मतलब फास्ट फूड जैसे KFC वगैरह ना मैकडॉनल्ड्स, वैसे है इनका। तो हमने सोचा चलो ठीक है कहीं और खाएंगे, एक इनका ट्राई कर लेते हैं, कुछ लोकल हमने खाए नहीं, वैसे तो वही है इनका फास्ट फूड होएगा बर्गर टाइप ही। तो भाई ये आदमी बोल रहा था कि तुम खा लो ना मेरे को फोन कर देना, मतलब पैसे भी नहीं लिए, बोला मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ गया पहली बार, और बोला कितनी देर लगाओ खाने में, हम बोले हम अपना टाइम लगाएं, हमारी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जाओ। तो बोले कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, खाना खा लो तो फोन कर देना, मैं लेने भी आ जाऊँगा तुम्हें। बड़ी आदमी यार काफ़ी, पर हमने बोला नहीं हम पैदल ही जाएंगे, थोड़ा हमें भी सैर करने का सामान है। नवांकुर तो घुस गया अंदर, ये है भाई रोटीज। क्या डिसाइड किया तूने? रोटीज ऑल चिकन। ये बारबाडोस डॉलर है क्या? रोटीज मेड विद जेन्युइन करी फ्रॉम इंडिया। सही होता लिखा तो है, कर दे ऑर्डर। इसमें दोनों की रोटी आ गई, इसमें क्या पेट भरेगा मेरा? तो है भी तो $4 की, 2-3 में लेता भाई। ये है 350 रुपए की रोटी। केस होता है यो? Originally from India bro। कैसी है? तने भी उड़ते तीर लेने हैं वहीं से इसे। इनके लोकल चेन पे खाऊंगा। तो वहां पे खाना खा के हम रोड के दूसरी साइड ही था बीच, बीच पे आ गए हम। कैरेबियन सी का ये बीच है। मेरा बहुत मन था यार सर्फिंग करने का इस बीच पे और सनसेट देखने का, पर एक तो हमारे पास साधन नहीं था और थके हुए भी थे, और नवांकुर ने भी हिम्मत सी नहीं दिखाई तो हम सो गए थे। अब बाकी अंधेरा होगा, थोड़ी देर बैठ जाते हैं लेकिन देख लेते हैं नज़ारा। एक और दिन में स्वागत है आप सभी का। उठ गए और सुबह हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज हमारी फ्लाइट है एंटीगुए एंड बारबुडा की। किस टाइम की है? 12:10 के अभी बजे सुबह के 10। जैसा नवांकुर बता रहे कि इनका जो चेक इन काउंटर कह रहे रोड पे है, देखते हैं चल के। और एंटीगो में हमने कोई भी अकोमोडेशन वगैरह कुछ बुक नहीं कराया, जो कराई थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि पेमेंट नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने हमारी कैंसिल कर दी। तो वहीं जाके देखें क्या कराना है क्या नहीं कराना। ये आ गया भाई एयरपोर्ट, और जैसा नवांकुर कह रहा था बाकी सही में, ये देखो ये चेक इन काउंटर है, ये सड़क है, सड़क पे ही सारे दिख रहे थे कितनी भीड़ लगी हुई और कितने क्या। बैग ले लेते हैं अपने। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तो वैसे तुम्हारा प्लान था पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ जाएंगे, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना वैन के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है हमारे घर से। तो हमने सोचा था सुबह बैग उठा के सड़क पे खड़े हो जाएंगे, वो शेड वैन सी ले लेंगे 2 किलोमीटर चले बाद। हालांकि ये बैग मेरा कितना 15-16 किलो का है, ये जो टांग रखा है 10 किलो का ही है, पर कोई नहीं। फिर क्या हुआ कि ये जो था ना मालिक, मकान मालिक, ये बोला मैं छोड़ दूंगा, कितने पैसे दोगे? तो बोले $15 दे देंगे। तो बोला ठीक है मैं छोड़ूंगा।
अंडे उबाल लाया था मैं फ्लैट से, अपार्टमेंट से, लेट हो रहे थे तो मैंने उबाल के साथ में ले लिए। एयरलाइन का नाम है भाई इंटर कैरेबियन, मैंने तो नाम ही अभी सुना है। टिकट नवांकुर ने कराई थी। ये एयरपोर्ट है, बाहर वो सड़क, ये चेक इन काउंटर। मेरे को दादा तो रखी है, पासपोर्ट लेके लाइन में लगते ही टाइम खराब होते होते, मैं तो प्रिपेयर रहता हूँ आधा घंटा ये फालतू बकवास करेंगे। इनको नहीं पता तो कम से कम हमसे पूछ लो। कस्टम्स वाले, कस्टम तो नहीं खैर, इमिग्रेशन वाले, फ्लाइट वाले 15-20 मिनट मिनिमम खराब हर बार होती होती है। पासपोर्ट देख के चौंक जाते हैं इंडियन पासपोर्ट वाले, कैसे खतरनाक, मतलब जो अच्छे देश है उनमें वैसे उनको जाने नहीं देते, भी चेक करे, और जो बेकार है अफगानिस्तान वाले वैसे नहीं जाने देते। भाई जा क्यों रहे हो, जाएगा बंदा शिमला मनाली कुल्लू। अभी सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया हमारा नवांकुर का पास, मेरा तो अभी देखा भी नहीं, नवांकुर का ही देखा, पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया कि भाई कैसे जाएंगे, इन पर वीजा तो है नहीं, पासपोर्ट देख रहे। तो फाइनली मिल गया भाई बोर्डिंग पास कई देर की मशक्कत के बाद, और आप देख रहे हो इस पर सीट नंबर नहीं है कोई भी। तो ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि छोटा सा एयरप्लेन है हमारा तो कोई भी सीट नंबर नहीं है, अपने हिसाब से चढ़ जाओ। जैसे बस में नहीं होता जिसने जोन सी सीट रोक ली वही सीट है आपकी, इस फ्लाइट में भी यही है, जो चढ़ गया पहले जिसने खिड़की की सीट ले ली उसकी खिड़की की सीट है। ये जो वीज़ा होते हैं ना इसको स्कैन करने में बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि ये देख के एकदम चौंक जाती है, इंडियन पासपोर्ट वाला बंदा यहाँ कैसे पहुँच गया, कि ये तो इनके लिए तो वीज़ा फ्री है ही नहीं कंट्री, यहाँ तक कैसे आ गए, इनके पासपोर्ट में वीज़ा भी नहीं दिख रहा हमारे देश का, बुरी तो डोंकी मार के अमेरिका जाएंगे या यूरोप जाएंगे, इनके मन में ये होता है। फिर जब इन्हें वीज़ा दिखता है ना अमेरिका का या शेंगेन, फिर हम इन्हें बताते हैं कि ये रूल है कि हमारे लिए वीज़ा ऑन अराइवल अगले देश में, या फिर ये उस देश में फ़ोन करके पूछते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये जो वीज़ा लेके आया है वह बंदा इंडिया का, इसका वीज़ा असली है नकली, वो फिर लेंस से पूरा स्कैन करते हैं पूरा, अमेरिकन वीज़ा हो या शेंगेन वीज़ा, जब उन्हें पूरा भरोसा देता है कि भी असली वीज़ा, और ये जाके इसको वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, इसके पास रिटर्न टिकट भी है, इसने होटल भी करा रखा, सारी चीज़ करे बाद फिर ये जाने देते हैं, इसलिए बहुत परेशानी होती है। इस एयरपोर्ट पे ना 10 मिनट का भी खेल नहीं है सारा, एयरपोर्ट पे आना और फ्लाइट के बोर्डिंग गेट तक पहुँचने तक का 10 मिनट में सारी चीज़। इमिग्रेशन तो हुई नहीं भाई, सीधा जाओ, लाइन बनवा के प्लेन में चढ़ाएंगे सारे, ताकि कोई हमारे जैसा लाइन तोड़ के भाग के सीधा पहले ना कुछ। भाई तू बैठा इतने छोटे प्लेन में पहले, हाँ मतलब वो भी ऐसा ही है पीछे वाला भी। भाई मैं मेरी जिंदगी में इतने छोटे प्लेन में नहीं बैठा, इतने में भी बैठा, इतना छोटा भी नहीं था, नहीं था भाई इससे बड़ा था। भाई बहुत ही छोटा है, दो सीट इस तरफ, एक सीट परली साइड है, टोटल 3 सीट है, और पर लेग स्पेस ठीक है, खड़े हो 57 लोगों का है बस, 57 लोगों का सबसे छोटा प्लेन है मेरी लाइफ का, तो इतने छोटे मैं नहीं बैठा, खड़ा हो रहा था तो यूं झुक के भी कमर भी बैठ रही थी, सिर झुकाए बाद कमर भी छत पे टच हो रही थी, पर सीट में स्पेस ठीक है उस हिसाब से, खड़ा हो रहा तो क्या बिड़ रहा था कमर यूं झुक के। अच्छा अच्छा कह रहा था ना कमर बिड़ती है। चलो भाई ये आ गए भाई, मेरी कंट्री नंबर 50 एंटीगुआ एंड बरबुडा। तो भाई फ्लाइट से उतर के हम जाने लग रहे हैं अंदर एयरपोर्ट की तरफ, और इनके लिए तो वीजा फ्री एंट्री हुई है ना शायद, इनके लिए वीजा फ्री एंट्री है, इनसे कोई पैसे भी नहीं लेगा हमसे, भाई पैसे भी लेंगे वीजा के और हमको हरास भी करेंगे, $100 हमारे से इंडियन से, वो भी अमेरिकन या शेंगेन वीजा होए बाद वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं हम, और वो भी $100 देने उसके, और उसके अलावा हरासमेंट तो हर जगह वो मुफ्त आती है हमारे लिए। चलो कोई नहीं भाई, तो भाई मेरी 50वीं कंट्री है, बहुत खुश हूँ मैं, 50 देश आज मेरे पूरे हो गए, अबे चल तो दो दो दिन रुकता है। ये भाई इनका झंडा है, और मैं सच बोल रहा हूँ कुछ समय पहले तक ना मेरे को इस कंट्री की स्पेलिंग भी नहीं पता थी, और आज फाइनली आ गया। आप लोगों को भी शायद ना बताओ, बाहर निकल के थोड़ा सा बता दूंगा इस देश के बारे में। चलते एक बार, इन्होंने फॉर्म सा दिया था ये इमिग्रेशन का और कस्टम्स का, ये भर के और इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकल के बताता हूँ आपको। ये भाई लाइन लगी हुई इमिग्रेशन की लाइन है। हाँ भाई कैसी लग रही है हरासमेंट भाई? ATM लेके गए, कितने पैसे निकलवाओ,
पैसे निकलवा के लाया मैं, चाहे कितनी फीस ले ली एटीएम में, फिर पैसे निकलवाने पड़े मेरे को। तो परमवीर के पास तो थे डॉलर, और भाई 57 जने थे, सही कर रहे ना अंकुर, सिर्फ हम दो के अलावा सारे जने काफ़ी देर पहले चले गए, किसी का वीजा नहीं लगा, किसी का कुछ नहीं लगा, हमें 15-20 मिनट हो गए इमिग्रेशन पर खड़े, अकेले कोई भी नहीं यार। देखो भाई पूरे एयरपोर्ट पर कोई नहीं है, मैं और नवा अंकुर है, सारी बैगेज बेल्ट खाली पड़ी है, और वो बैग अलग से ही दिख रहा है मेरा, क्योंकि कोई और है ही नहीं, सिर्फ हमारे ही बैग रह रहे हैं, हम ही रह रहे हैं पूरे एयरपोर्ट पे। तो $100 लगे वीज़ा के, यानी कि इंडिया के अभी फ़िलहाल के रेट के हिसाब से लगभग 8,500 रुपये ही मान लो, क्योंकि जब भी एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो कन्वर्जन चार्जेस कट जाते, ज़्यादा ही कटते थोड़े। तो हमें उम्मीद थी कि भी कोई बढ़िया सा वीज़ा चिपकेगा स्टिकर, इतने पैसे लग रहे, पर एक मोर सी मार दी सिर्फ। और हम एयरपोर्ट पर आ गए थे एग्जैक्टली 1 बजे, हम एयरपोर्ट पर आ गए थे इमिग्रेशन पर 1:41 हो गए, तो मतलब 40 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगी और लोगों से, और पैसे भी सिर्फ हमारे लगे। चलो मैं रो नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि भी इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करना कोई आसान नहीं है भाई, ऐसे ऐसे देश जिनके नाम ही नहीं सुना आप लोगों ने, वहाँ तक हम पहुँच रहे, आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे, तो एफर्ट्स तो लगते ही लगते, उसके साथ पैसा ही बहुत लगता है और दुखी ही बहुत होना पड़ता है। निकल गए भाई बाहर, फाइनली कस्टम्स इमिग्रेशन बैगेज वगैरह सब कुछ हो गया। और हाँ, हमने ना यहाँ पे होटल वगैरह कुछ बुक नहीं कर रखा, आपको मैंने बताया था जो बुक किया था कैंसिल हो गया था, तो अभी हम देखते हैं कोई कार रेंटल, कोई गाड़ी मिल गई तो किराए पे गाड़ी ले लेते हैं, और फिर कोई चाहे शहर के बाहर भी होटल फिर तो उसमें भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साधन हो जाए पहले, क्योंकि अब शहर के बीच तो बहुत महंगा मिलेगा अभी, और टैक्सी भी लेंगे, मतलब एक बार गाड़ी ढूंढते हैं पहले। बाहर निकल के बताया उन्होंने कार रेंटल की उधर है। तो भाई वैसे तो नवांकुर ने करा रखी थी एक बुकिंग, पर हम रेट कन्फर्म कर लेते हैं, आधी जगह छोड़ जहाँ भी सस्ती मिलेगी वहाँ से ले लेंगे। ये है भाई इधर सारे कार रेंटल्स, पूछते हैं इन पर। तो ये ना छोटे छोटे देश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनका अच्छा है नहीं, मैं और नवांकुर बर्बाडोस में फंस के खड़े हो गए थे, टैक्सीज बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब यूँ लगा लो 2-3 हज़ार रुपये लगते ही है कहीं भी जाओ तो, और घर यहाँ पे सेंटर में लेंगे वो भी आएगा 15-20 हज़ार के 3 रात के, तो हम सोच रहे शहर के थोड़ी बाहर घर ले लेंगे, और अपनी पर्सनल गाड़ी हो जाएगी तो बंदना नहीं पड़ेगा, गाड़ी लेके कहीं बीच पर चले गए, कहीं भी चले गए, बंद के नहीं रहेंगे जिस तरह बार्बाडोस में बंद गए थे, थोड़े से पैसे घर की जगह गाड़ी पे एक्स्ट्रा खर्च लेते और घर थोड़ा दूर ले लेंगे। तो अंदर तो ना सिर्फ एक ही काउंटर पे बैठा था कोई, बाकी काउंटर खाली पड़े थे, खूब सारी गाड़ियों काउंटर थे अंदर, और वो बोले हमारे पास कोई गाड़ी है ही नहीं, नवांकुर ने बुक कराई थी डॉलर से, डॉलर कार रेंटल से, तो उस काउंटर पे कोई बैठे नहीं थे, तो हमने पूछा इस काउंटर वाले कहाँ पे, तो बोले कि 4-5 मिनट में आ रहे, इंतजार कर लो, तो उनकी वेट कर रही। इतना थोड़ा सा आपको मैं इस देश के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कौन सा देश है, कभी नाम ही नहीं सुना, तो मैं बेसिकली हूँ एंटीगुआ एंड बारबुडा, जो कि एक कॉमनवेल्थ आइलैंड नेशन है कैरिबियन सी में, वेस्ट इंडीज़ मान लो आप, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम थी वो खूब सारे ये आइलैंड नेशंस है कैरिबियन सी के अंदर, इनको मिला के एक क्रिकेट टीम बनती है जो खेलती है। तो कॉन्टिनेंट की बात करें तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कैरिबियन सी में नेशन है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश ही बोलते हैं, पर आपस में लोग बात करते हुए क्रियोल यूज़ करते हैं, यहाँ की एंटीगुआ एंड बारबुडन क्रियोल, जो कि ब्रोकन इंग्लिश लगा लो, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया अच्छी तरह। एंटीगुआ एंड बारबुडा ये आइलैंड्स है, इसके अलावा खूब सारे छोटे छोटे और आइलैंड्स हैं, उनको मिला के पूरा नेशन बनता है एंटीगुआ एंड बारबुडा। और अभी हम इनकी जो कैपिटल सिटी है सेंट जॉन्स, उसके एयरपोर्ट पे ही है, और बाकी एंटीगुआ एंड बारबुडा क्योंकि कैरिबियन सी में, तो ये जाना जाता है अपने बीचेस के लिए, रिजॉर्ट्स के लिए और रेन फॉरेस्ट के लिए भी। और बाकी कैरिबियन सी में ये सराउंडेड है मॉन्ट सेरेथ, जो कि एक ब्रिटिश टेरिटरी है, ग्वादालूपे जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी है, जी हाँ इतनी दूर है ब्रिटेन से और फ्रांस से ये आइलैंड्स, लेकिन ये उनकी टेरिटरी में आते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच, और सेंट किट्स एंड नेविस जो कि एक इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन है, वो भी इसके नज़दीक है, काफ़ी पॉपुलेशन इधर की 1 लाख से कम है, एरिया की बात करें तो शायद 450 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड इनका एरिया, लगभग 90-95 हज़ार लोग है इधर। और उनकी एथनीसिटीज़ के बारे में बात करें तो मोस्टली लोग ब्लैक सी है, थोड़े से मल्टी रेशियल है, या फिर बहुत थोड़े यूरोपियंस या बाकी और है, और इंडियंस नहीं है इधर, जैसे बाकी कुछ आइलैंड्स भी इंडियंस भी, जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में है। रिलीजन की बात करें तो मोस्टली क्रिश्चियनिटी है इधर 90-95%, उसके अलावा थोड़े बहुत रास्ताफारी नॉन रिलीजियस या बाकी रिलीजन्स। तो ये ले ली भाई गाड़ी हमने रेंट पे मेरे लाइसेंस पे, एक्स्ट्रा ड्राइवर की बहुत ज़्यादा फीस थी, मतलब करकुरा अब बता क्या क्या खर्चे करें हमने इसमें लाइसेंस वगैरह गाड़ी लेने के लिए, हमारा 175 गाड़ी के, हाँ 175 यूएस डॉलर, नहीं नहीं 135 यूएस डॉलर गाड़ी, 45 यूएस डॉलर एक दिन के, और $51 इंश्योरेंस एक दिन के, $17 इंश्योरेंस, और $20 का यहाँ लोकल लाइसेंस बना दिया, लोकल लाइसेंस लेना पड़ता है यहाँ पे, चाहे आपके पास इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस हो, इंडियन लाइसेंस हो, कुछ भी हो, ये
लोकल लाइसेंस आपको लेना पड़ता है और 15% टैक्स। ये 3 महीने तक वैलिड होता है एंटीगो एंड बारबुडा में और हमारा वीजा 1 महीने के लिए। क्या जोक चल रहा है भाई? लाइसेंस 3 महीने का $20 में आते ही भाई हम $335 के नीचे हो गए एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे। $100 का वीजा लिया वो 30 दिन वैलिड, $20 का लाइसेंस लिया वो 3 महीने वैलिड। तो भाई हमारे टोटल कितने डॉलर लगे? 233 डॉलर लगे भाई, जो कि 20,000 रुपये इंडिया के, प्लस इन्होंने $300 की वो भी लिया है डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो मेरे खाते से कटे है 40,000 रुपये कटे है शायद मेरे से। लग्जमबर्ग में एक होटल ने लिए थे 100 यूरो डिपॉजिट, वो तो मेरे आए थे 15 दिन बाद उठते। तो मेरे 45,000 कटे है शायद अपार्टमेंट, अपार्टमेंट बुक हो गया अभी तक हमने कुछ नहीं किया था। अब गाड़ी 12,700 का अपार्टमेंट बुक हुआ है उतरते ही, 12,700 का। ये हाल है भाई, गाड़ी मेट की बात करते हैं एक बार। गाड़ी है ये भाई, टायर तो पूरे गंजे हैं, गंजे टायर है बिल्कुल। ये ग्रैंड विटारा गाड़ी है भाई, मारुति सुजुकी की, सॉरी अपनी ब्रेजा जैसी, और टायर एकदम इसके गंजे है। बाकी भाई आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है ना वो क्रिकेट है एंटीगो एंड बारबुडा का। और सर विवियन रिचर्ड्स जो आज तक के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं वो भी यहीं से एंटीगो एंड बारबुडा से। और इनकी जो इकोनॉमी है लगभग 80% टूरिज्म पे डिपेंड करती है इनकी जीडीपी, मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे और टूरिस्ट पे। बाकी यहाँ पे बीचेस है, कोई रिवर्स नहीं है, कोई लेक्स नहीं है। और बीचेस मेरे ख्याल से इधर 365 बीच है, तो इसे शायद आइलैंड ऑफ द 365 बीचेस या नेशन ऑफ द 365 बीचेस ऐसे भी कुछ कहा जाता है। तेल की टंकी हमारी आधी आधी करके हमें वापस लौटानी है। अच्छा, उसने कहा है? हाँ, आधी टंकी देख ले। $600 हमारे उतरते ही खर्च हो गए भाई। उसके कितने लगे अपार्टमेंट के? 150। तो भाई मैं नेट पे पढ़ भी रहा था कि भी एंटीगुआ को एक्सप्लोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है गाड़ी ले लो रेंट पे, क्योंकि यहाँ पे बजट ट्रैवलर्स के तो है ही नहीं है कंट्री। अगर आप सोच रहे हो बजट ट्रैवलर हो, बैकपैक करो, सस्ते में घूम लोगे, मतलब यू मान लो 8-10 हज़ार से सस्ता कोई होटल नहीं मिलेगा आपको, अपार्टमेंट होटल कुछ भी। रो तुम दो जने तो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर भी हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, पड़ जाएगा। हमने थोड़ा सा सिटी के बाहर लिया ना, तो चलते हैं अब अपार्टमेंट में। एक बढ़िया बात क्या है कि गाड़ी ना इनके भी राइट एंड ड्राइव है अपने इंडिया की तरह, रोड की लेफ्ट साइड चलाते हैं। तो मेरे को समझा रही थी ध्यान से चलाना, मैं बोला अरे हम इंडिया में चलाते हैं, और दिल्ली में चलाई भी मैंने गाड़ी, चिंता ना कर, दिल्ली में चलाता हूँ। ऑटोमेटिक है क्या? और आसान है फिर तो? नहीं, मुश्किल होती है। तो ये हमारा पहला स्टॉप एंटीगुआ में, गाड़ी लेके आ गए हम 15 मिनट की ड्राइव के बाद। मैंने नेट पे देख लिया था एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इधर खूब सारी दुकानें हैं, तो इधर से हम खरीदेंगे कोई ब्लूटूथ या टाइप। गाड़ी में बिना गाने के गाड़ी चलती ही नहीं यार, गाड़ी हमने पार्क कर दी उधर। और बिना गानों की गाड़ी चलाते हुए मैं गाड़ी अपनी इंडियन स्टाइल में, तो जो शायद आता है कोई आगे शायद मैं उठा के, वो मैं नहीं जान दूंगा। कौन से गाने सुने गए बता, तार लिए बात। अर्जेंट डिलो। ये है भाई दुकान सामने, रेडियो शैक, देख ले जिसपे लिखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जिसपे वही दुकान है। मैं ईयरफोन्स भी लेने मेरे को। तो ये आई भाई $7.5 की थी, 20 ईस्ट कैरेबियन डॉलर, यहाँ की करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर, ये 1 ईस्ट कैरेबियन डॉलर मीडिया के 30 रुपये, 1 US डॉलर में 2.7 ईस्ट कैरेबियन डॉलर, बहुत बार बता चुका। और पर देखते आईफोन का कन्वर्टर मेरे पास बैग में नहीं हुआ, तो वो भी लेना पड़ेगा गानों के लिए, फालतू खर्चा। बाकी ऑक्सटार अपने इंडिया में 50 रुपये की आती है, ये यहाँ पे भाई 550 रुपये की मिली, क्योंकि सब 600 रुपये की, क्योंकि सब सामान इंपोर्ट होता है भाई, छोटा देश है, यहाँ कुछ होता नहीं मैन्युफैक्चर। ट्रिनिडाड में तो फिर भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, इधर जो भी सामान है या तो नज़दीक से आए तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आया होगा, वरना सारा सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, एशिया, सारा वहाँ से इंपोर्ट है। सब खाना खिला दे भाई, गाड़ी करके खड़ी आ गया मैं KFC। अरे यार इसका सेंट्रल लॉकिंग भी खराब है, टायर भी सारे गंजे। तो KFC खा के हम आ गए अब शहर के लगभग थोड़ा सा बाहर, जिधर हमारा Airbnb है। और देख सकते हो आप सड़क यहाँ पे थोड़ी टूटी फूटी भी है, और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पता लग रहा है कि भी हम बाहर आ गए शहर के आउटस्कर्ट्स में। पर चलो गाड़ी होने का ये फ़ायदा है कि भी कोई परेशानी नहीं है, 10 मिनट फालतू लग जाएंगी पर पैसे काफ़ी बच जाएंगे अकोमोडेशन की, और थोड़ी खुली खुली जगह में भी है अगर इधर तो। बस आने ही वाले, मेरी खाली 1 मिनट की ड्राइव और दिखा रहा है गूगल मैप। लो भाई आ ही गए, बात करते करते ही गाड़ी लगा दूंगा बैक करके पार्किंग में। ये भाई बाकी बिल्कुल ही बाहर आ गए शहर से। मतलब देखो इधर है ये Airbnb, इधर ही अपना डॉक्टर यात्री, ये देखो शहर से तो बहुत दूर है भाई। ये देश ही छोटा सा है भाई, पर कोई दिक्कत नहीं है, 450 स्क्वायर किलोमीटर से कम तो इस पूरे देश का एरिया है टोटल, और दुनिया की सबसे छोटी कंट्रीज में से एक है मेरे ख्याल से, 182nd या कुछ ऐसी रैंक है इसकी पॉपुलेशन वाइज।
सॉरी एरिया वाइज। तो यहाँ पे ना अभी हमने पूछा उससे कि टैप वाटर ड्रिंकेबल है क्या, तो उसने बताया उसमें कि भी ड्रिंकेबल नहीं है, क्लोरीन है बहुत ज़्यादा इधर के टैप वाटर में। और देशों में मोस्टली इधर कैरिबियन में ड्रिंकेबल था, तो मतलब सीधा टूंटी से पानी पी सकते हैं, चाहे बाथरूम की टूंटी हो कहीं की भी हो, सेम पानी आता है मतलब पीने का भी और हर चीज़ का। इधर नहीं है पर, तो गाड़ी में थोड़ा सा पानी पड़ा मेरे पास वो ले लेता हूँ, और फिर शाम को हम सुपर मार्केट में जाके और पानी ले आएंगे। अभी तो बस यही इलाज है, हाथ मुँह धोया और अभी थोड़ी देर आराम करते हैं।